गांव खेड़ी कला से टेक्चंद है और उसके साथ चिन दो चिन आदमी और हैं, ये क्रिमिनल प्रति के आदमी है और इनका काम ही सबसे पैसे उगाना और ये करना और गोली गाली मारनी, हाथ पाँव तोड़ना इनका काम है। ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हाथ पाँव तोड़ के लोगों से पैसे वैसे उगाते हैं। तो इन्होंने पहले भी भैया पे हमला करा था, उसमें मैं भी साथ था, उसमें इन्होंने गोली वोली चलाई थी पर उसमें इन पर ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। मार्केट के बीच में इन्होंने पैर वैर तोड़ के ये चले गए। उसके बाद आज फिर इन्होंने मौका मिला, इन्होंने फिर हमला करा और मारने की उससे गाड़ी लेके तीन चार पिस्टल लेके इन्होंने फिर हमला करा। वो तो भैया में पिस्टल थी जिससे जवाबी कार्रवाई में वो भाग गए। कम से कम 13-14 राउंड करे उन्होंने। बदमाश है, कहता है मैं गुंडा हूँ, मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, मैं बदमाश हूँ, सबसे मैं ही पैसे उगाऊंगा और मैं ही लूँगा सबसे, तुम्हें भी देना दो नहीं तो मैं तुम्हारे पास दूँगा। पैर में गोली लगी टखने से ऊपर, अभी ऑपरेशन होएगा, उसके बाद पता लगेगी हालत अभी फिलहाल। वैसे मैं जिम पे आके एक्सरसाइज करने के लिए जिम के नीचे उतरो, तीन जने टेकचंद को भाई हो, एक सचिन है छोटी खेरी को, आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के मैंने भी गोली चलाई, मेरी गोली खत्म होगी मैं जिम की तरफ भागो तो दाइया ने पीछे मेरे पीछे दाई आ रहो वहाँ ने गोली मार दी, मुँह पर चला रहा हो गोली पीछे लग गई। बाकी एक गाड़ी ही ब्लैक कलर की उसने भी टक्कर मारी, उस गाड़ी में से भी गोली चलाई मेरे ऊपर। नीचे तो तीन है जी गाड़ी में, कितने मुझे नहीं पता क्योंकि जेट ब्लैक गाड़ी थी, उनकी तरफ से 15-16 गोलियां चली हैं, मेरी तरफ से सब। पहले भी इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था जिसका मुकदमा चल रहा है, उसमें भी ये 10-11 आदमी थे।